अवध विश्वविद्यालय से संबंधित आज की खबर क्या है, आइए जरा विस्तृत रूप से जानते हैं। आप हेडलाइन दे सकते हैं कि एयरपोर्ट के लिए अवध विश्वविद्यालय देगा निःशुल्क भूमि। आज की खबर विद्यार्थियों से संबंधित नहीं है, किसी विषय वस्तु या पाठ्यक्रम या किसी क्लास सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है। आज का जनरल एक मीटिंग हुई थी, उसके संबंधित एक खबर आई है। 30 सितंबर की खबर है, आप देख सकते हैं दैनिक जागरण पे छपा हुआ पेज नंबर 7 पे। तो खबर क्या है एक बार विस्तृत पढ़ लेते हैं कि जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि एयरपोर्ट के लिए अवध विश्वविद्यालय देगा निःशुल्क भूमि। अब आइए अंदर पर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया है। बुधवार को कौटिल्य प्रशासनिक भवन में कार्य परिषद की बैठक हुई, अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने की। बैठक में विश्वविद्यालय 23.79 एकड़ भूमि व उस पर अवसरी संपत्ति को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नागरिक उड्डयन विभाग को निःशुल्क अंतरित किए जाने का अनुमोदन हुआ। इसमें कुलपति आवास सहित कुल 27 भवन है। न्यू तो मतलब हुआ क्या है कि एक वहाँ की जो प्रॉपर्टी थी उसको निःशुल्क एयरपोर्ट निर्माण के लिए देने की बात हुई है। न्यू कैंपस के 3 नए भवन भी हैं। विश्वविद्यालय शासन ने आधारभूत ढांचे के लिए 21.02 करोड़ रुपए की मांग शासन से की है। बैठक के संगठन राजकीय महाविद्यालय जगपुर सुल्तानपुर राजकीय महाविद्यालय, ये कॉलेजेस के नाम है, शिक्षक व्यवस्था को संचालित के लिए 28 सितंबर की बैठक में निर्णय अनुमोदित किया गया। बस यही दोस्तों, नीचे इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से लोग, तो मतलब कहने का मतलब छोटी सी एक न्यूज आ रही है कि अवध विश्वविद्यालय निःशुल्क भूमि देगा एयरपोर्ट निर्माण के लिए। विश्वविद्यालय की अखबारों में खबरें, आपको बीएड थर्ड ईयर के जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है उनका रिजल्ट कब आएगा, ये खबर आपको नहीं मिलेगी। इनके अखबारों में ये खबर नहीं मिलेगी कि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रमोट होंगे या उनका एग्जाम होगा। बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का एग्जाम कब होगा, अक्टूबर शुरू हो गया, क्या दिसंबर तक रिजल्ट आएगी, फिर ये बच्चे एमएड कब करेंगे, इससे संबंधित खबरें आपको नहीं मिलेंगी। आपको बस यही सब खबरें मिलेंगी कि कब किसकी मीटिंग हुई, कब किस भूमि दिया गया, कौन से मंत्री विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, कौन से क्या आ रहे हैं, यही आ रहा है दोस्तों। जैसे कोई खबर मिलती है आपको बता दिया जाएगा। जुड़े रहिए चैनल से। जय हिंद, जय भारत।